बड़ी खबर आ रही है, जनपद श्रावस्ती से नहर में उतराता मिला युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, आपको बताते चले पूरा मामला। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत तिलकपुर नहर के पास की है, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव नहर में तैरता हुआ दिखाई दिया। वहीं देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उसके बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, उनके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद आनन फानन में थाना गिलौला की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार पेशकार पुत्र कृपा राम, जो ग्राम पंचायत पूर्वा दाखिला नारायणपुरवा का रहने वाला था, जिसकी कल नहर के पास से लापता होने की आशंका जताई गई थी, उसी युवक का आज नहर में तैरता हुआ शव जब ग्रामीणों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष गिलौला अखिलेश कुमार पांडे अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सर, क्या है पूरा प्रकरण? थाना क्षेत्र सुनवा के दो दिन पूर्व एक पेशकार नाम के व्यक्ति की घुसखोरी दर्ज की गई थी और जैसे घुसखोरी दर्ज हुई थी तत्काल पुलिस टीम लगी थी और उसकी बाइक वो नहर के किनारे मिली थी, चप्पल में था, उसके मोबाइल में था, तो उसके आधार पर आशंका जाहिर किया जाता कि नहर में ही हो सकते हैं व्यक्ति गया हो। तो उस आधार पर पुलिस फ्लड कंपनी हमारे पास PAC की है तो उसको लेकर के हम सभी लोग उसमें लगे हुए थे, खोजबीन कर रहे थे। आज उसकी डेड बॉडी थाना क्षेत्र गिलौला में मिली है, पुलिस पहुंच गई है और उसमें उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। उसके आधार पर जो भी पाएंगे वो भी कार्रवाई।